नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंदर और आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल इंदर में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं टॉप बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000। यार ये जो सेगमेंट रहता है इसमें बहुत ज्यादा स्मार्टफोन खरीदे जाते हैं और इसी में ही बंदों के क्वेश्चन होते हैं कि भाई 15,000 के नीचे हम कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन लें। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप बेस्ट 4 स्मार्टफोन, 4 ऐसे स्मार्टफोन बताऊंगा जिनको आप 15,000 के नीचे ले सकते हो, और कुछ एक और भी स्मार्टफोन बताऊंगा और ऑप्शन इनके अलावा भी ऑप्शन बताऊंगा जिनको मतलब आप अगर ये 4 स्मार्टफोन आपको पसंद नहीं है तो औरों की तरफ भी आप जा सकते हो। सबसे पहले हम लिस्ट की बात करते हैं, Realme 3 Pro, सेकंड पे फिर Redmi Note 7 Pro, फिर Samsung M30, उसके बाद MI A2, उसके बाद अपना Asus ZenFone Pro M2, फिर Honor का 8X, फिर Realme 2 Pro, फिर Realme U1 और लास्ट में आ जाता हमारे पास Redmi Note 6 Pro। इस स्मार्टफोन को आप 15,000 के नीचे ले सकते हो अगर आपका 15,000 का बजट है, यार या मतलब 10,000 से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आप इन स्मार्टफोन को देख सकते हो। पर दोस्तों यार यहाँ पे हम बात करेंगे टॉप 4 स्मार्टफोन जो कि अगर आपका 15,000 का ही बजट है, 14 से 15 का है, तो आप इस बजट में कौन कौन से 4 स्मार्टफोन ले सकते हो। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है MI का A2। भले यार ये स्मार्टफोन पुराना है बट इसके जो स्पेसिफिकेशन है ना 15,000 में अभी भी ये वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर मिल जाता है, फिर यहाँ पे आपको 5.99 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है बिना नॉच की, अगर मतलब आपको नॉच का बिना नॉच वाला स्मार्टफोन चाहिए। यहाँ पे आपको बैकअप में इतना अच्छा कैमरा मिल जाता है 12+20 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी कैमरा दिया गया, ओवरऑल मेटल बॉडी दी गई है तो मतलब देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव सा है फोन। यहाँ पे अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूँ तो यार देखो यहाँ पे पहली बात तो आपको नॉचलेस डिजाइन, भाई जिनको नॉच पसंद नहीं है वो स्मार्टफोन की तरफ जा सकता है। 15,000 में आपको 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज दी गई है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। कैमरा इसके काफ़ी लाजवाब है, यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाता है। अगर मैं इसके थोड़ी सी यहाँ पे कमियों की बात करूँ तो भाई देखो यहाँ पे 3.5 ऑडियो जैक नहीं दिया गया, ना ही आप इसकी स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो और ना ही इसमें नॉच दी है, मतलब ये थोड़ी सी कमियाँ हैं और थोड़ी सी बैटरी छोटी है। बट यार 15,000 में अगर आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिली तो भाई दी बेस्ट स्मार्टफोन। अगर हम तीसरे स्मार्टफोन की बात करें तो भाई ये है सैमसंग का M30। अगर भाई आपको देखो ना, अगर आपको नॉर्मल यूज के लिए कोई स्मार्टफोन चाहिए 15,000 में तो मैं सीधा रेकमेंड इसको करूँगा। पहले तो इसके हम स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, यहाँ पे आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, एक्सिनो का 7904 प्रोसेसर मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा मिल जाता है बैक में और फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा दिया गया, 5000mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप सी के साथ। ये तो थे इसके स्पेसिफिकेशन, अब करते हैं हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात। देखो यार सबसे पहला जो इसका एडवांटेज जो मेरे को लगता है वो है इसकी सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6.4 इंच की, और इसकी बेजल अगर आप देखें तो मतलब छोटे छोटे बेजल दिए गए और जो फील जो आएगा ना मज़ेदार आएगा। यहाँ पे आपको बैक में ट्रिपल कैमरा दिए गए और 15,000 के नीचे पहला स्मार्टफोन था जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, तो 10,000 के नीचे बट फिर भी ट्रिपल कैमरा इसमें आपको दिए गए, जो डे लाइट परफॉर्मेंस जो कि कैमरा की वो काफ़ी अच्छी होगी। यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि आपके 2 दिन बड़े आराम से निकाल लेगी और साथ में आपको टाइप सी का सपोर्ट भी मिल जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं इसकी कमियों की बात करूँ तो यार एक तो देखो प्लास्टिक बॉडी दी गई है और जो इसका प्रोसेसर है एक्सिनो का 7904 वो यार गेमिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है, मतलब लो सेटिंग में तो आप गेम खेल सकते हो बट हाई सेटिंग में आप पबजी और फोर्टनाइट वगैरह नहीं इसमें प्ले कर सकते हो। अगर दोस्तों दूसरे स्मार्टफोन की बात करें तो वो है हमारे पास रेडमी का नोट 7 प्रो। भाई कुछ एक बंदे पूछेंगे कि भाई इसको सेकंड नंबर पे क्यों रखा, तो उसकी वे मैं डिसएडवांटेज इसके लास्ट में बताऊँ। सबसे पहले हम इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ नजर डालते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर, बैक में 48+5 MP का कैमरा दिएगा, 13MP का सेल्फी कैमरा मिल गया, 4000mAh की बैटरी मिल जाती है आपको टाइप सी के साथ में, MI A10 का सपोर्ट मिल जाता है और भी काफ़ी कुछ स्मार्टफोन में दिया गया है। अगर सीधे अब इसके एडवांटेज की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर मिलता है 675 वो तगड़ा जिसको बोल सकते हैं 11 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको बॉडी मिल जाती है ग्लास की जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देती है, मतलब आपको जब आप इसको हाथ में पकड़ते हो तो काफ़ी अच्छा फील होता है, फ्रंट में भी और बैक में भी आपको गीला ग्लास 5G प्रोटेक्शन मिली है। यहाँ पे आपको 4000mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप सी के साथ जो कि काफ़ी फास्ट चार्जिंग होती है। तो भाई ये तो थी इसके एडवांटेज, मतलब आप इसमें गेमिंग अच्छे से खेल सकते हो और कैमरा काफ़ी अच्छा दिया गया है और साथ में प्रीमियम
कौन है। अगर इसके मैं थोड़ी सी कमियों की बात करूँ तो यार यहाँ पे देखो आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, मतलब आप या फिर दो सिम लगा सकते हो या फिर एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। ये इसमें जो 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया गया वो जो जिस टाइम हम फोटो खींचते तो उस टाइम वो प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है, जो इतनी अच्छी बात है। और अगर ग्लास बॉटल में डिसएडवांटेज की बात करूँ तो भाई अगर ये फ़ोन गिरेगा तो फ़ोन के टूटने का जो डर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जो सबसे बड़ी कमी जो इसमें जो है वो है भाई इसकी एड्स वगैरह, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एड्स देखने को मिलती है MIUI 10 में। तो ये इसकी मेरे को तो मतलब जो क्या बोलते हैं यार कमी जो लगती है वो सबसे बड़ी इसमें है। अगर दोस्तों आप रियल फास्ट स्मार्टफोन की बात करें तो वो है भाई रियलमी का 3 प्रो। अब आप पूछोगे भाई इसको फास्ट क्यों, इसमें सब कुछ मिल जाता है, कुछ एक कमी को छोड़ के पॉलीकार्बोनेट बॉडी में छोड़ के सब कुछ इसमें आपको दिया गया। सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ नजर डालते हैं, स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर मिल जाता है आपको। यहाँ पे आपको 6.3 इंच के बटन ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ पे आपको 4050 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है बुक चार्ज 3.0 के साथ में। और बेस्ट कैमरा मिलता है आपको बैक में, आपको 6.5 MP का कैमरा मिलता है, फ्रंट में आपको 25 MP की सेल्फी कैमरा दिया गया। तो भाई ये तो थे इसके मतलब स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज। भाई जो स्नैपड्रैगन का 710 जो दिया गया वो पहली बार आपको 15,000 के नीचे देखने को मिल रहा है, मतलब परफॉर्मेंस तो आपकी धाकड़ वाली इसमें होने वाली है। Fortnite, PUBG सब की जैसे भी गेम खेलना चाहो आप खेल सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो भाई यहाँ पे आपको 4045 mAh की जो बैटरी दी गई है उसमें आपको क्या 3.0 का स्पोर्ट दिया गया है, जो कि आपकी बैटरी को ओनली 80 मिनट में 0 से 100% तक फुल चार्ज कर देता है। इसमें जो कैमरा जो यूज़ किया गया है वो मतलब फ्लैगशिप लेवल का सेंसर यहाँ पे यूज़ किया गया, तो मतलब Redmi Note 7 से के बराबरी का कैमरा, कहीं पर Redmi Note 7 Pro का कैमरा आगे निकल जाता तो कहीं इसका कैमरा निकल जाता। वहाँ Redmi Note 7 Pro में आपको 13 MP की सेल्फी दी गई थी, बट यहाँ पे आपको 25 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया, मतलब सेल्फी से रिलेटेड कोई इसमें आपको इशू देखने को नहीं मिले। बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन इसको हम बोल सकते हैं। अगर इसकी थोड़ी बहुत कमियों की बात करें तो भाई देखो यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाती है और यहाँ पे आपको जो टाइप सी नहीं दिया गया। तो दोस्तों ये है पूरी लिस्ट, मतलब अगर आप 15,000 में कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहे तो इन 4 स्मार्टफोन में आप देख सकते हो जो मैंने बताया जो मेरे को पसंद है, मतलब इसमें इस प्राइस सेगमेंट में। और आप मुझे बताना जो मैंने बाकी की लिस्ट बताई, मतलब जो पहले बता दी थी, उनमें से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद है। तो दोस्तों अगर आप ही मेरी इस लिस्ट से एग्री करते हो तो वो सारी बातें आप मुझे कमेंट करके बताना। और आपके पास अभी आप कौन सा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो और कौन सा स्मार्टफोन लेने की आप सोच रहे हो वो सारी बातें आप मुझे कमेंट में बताना। अगर इतनी बड़ी वीडियो देख आपको मजा आया होगा, अगर मतलब कुछ हेल्प मिली होगी आपको तो वीडियो को यार लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जाते जाते चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और इतनी बड़ी वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।